ग्वालियर चंबल इलाके में गर्मी इस बार लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। नौतपा के पहले से ही गर्मी ने जोर मारना शुरू कर दिया था और अब तो गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बीते चार दिनों से सूरज आग उगल रहा है, पूरा दिन लोग तपिश से बेहाल हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से शाम तक पारा 45 डिग्री से 46 डिग्री के बीच बना रहता है। दिन में शहर की अधिकांश सड़कें सूनी पड़ी रहती हैं। राजस्थान की ओर से लगातार गर्म हवा आने से भीषण लपट चल रही है। समूचा ग्वालियर चंबल संभाग भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक नौतपा में भी लोगों को 28 मई तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर ग्वालियर चंबल संभाग में आ सकता है, जिसके कारण तेज हवा, आंधी और बारिश की संभावना है। लेकिन फिलहाल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जो गर्म हवा आ रही है ना, उसके वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। अभी फिलहाल तो ये कुछ दिनों के लिए ऐसा ही रहेगा और दो चार दिन बाद एक WD का सिस्टम बन रहा है, उससे थोड़ा राहत मिल सकती है। ये तो कम से कम चार पाँच दिन तो अभी कोई राहत मिलने का अंदेशा नहीं है, उसके बाद मतलब WD का है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।